हेलो एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। और आज हम देखेंगे कि आलू पनीर मसाला टोस्ट हम कैसे बनाते हैं। ये इतनी सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी है कि आप इसे पूरे दिन में किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं। और ये इतनी टेस्टी है कि आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में पैक करके भी ले जा सकते हैं। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हमने 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से बॉईल किया, उन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया और फिर हमने इनको यूज़ करा है। इनको हम एक पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद हम डाल रहे हैं 1/2 कप क्रम्बल पनीर, साथ ही डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने बारीक काटा है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 छोटी चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, साथ ही डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ धनिया। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग बनके बिल्कुल तैयार है और अब हम चलते हैं टोस्ट को असेंबल करने के प्रोसेस में। हमने यहाँ पर एक वाइट ब्रेड स्लाइस ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम इस तरह आलू की फिलिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिलिंग को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम एक और ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसको पहली वाली के ऊपर अच्छे से प्लेस कर देंगे। टोस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी को हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से इस तरह फैला लेंगे और फिर इसी प्रोसेस से हम एक और टोस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। ब्रेड की जिस तरफ हमने घी लगाया था उसी तरफ से हम इसको टोस्टर में लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह। और अब हम ब्रेड की ऊपर वाली स्लाइस पर भी घी लगा लेंगे। टोस्टर को हमने पहले से ही अच्छे से गर्म करके रखा था और फिर उसके बाद ही हमने ब्रेड को इसमें लगाया है। घी लगाने के बाद हम टोस्टर को बंद कर देंगे और सैंडविच को हम तब तक सिकने देंगे जब तक वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। पूरे 5 से 6 मिनट के बाद आप टोस्टर को खोलिए और आप देखेंगे कि जो टोस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे सिके हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको टोस्ट थोड़े क्रिस्पी पसंद हैं तो आप इन्हें ज़्यादा देर के लिए सेकिए, और अगर थोड़े सॉफ्ट पसंद हैं तो कम देर के लिए सेकिए। और लास्ट स्टेप में हम टोस्ट को बिल्कुल इस तरह कट कर लेंगे। तो इन सुपर डिलीशियस आलू पनीर मसाला टोस्ट को मैं सर्व कर रही हूँ एकदम स्ट्रीट स्टाइल। सर्व करते टाइम मैंने यहाँ पर रखे हैं पोटैटो चिप्स, साथ ही में टोमेटो केचप और मेयोनीज और टोमेटो केचप का मिक्सचर। तो हमारे आलू पनीर मसाला टोस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।